लद्दाख में कोविड के कल हमें 18 सैंपल्स मिले हैं, जिसमें से 15 कारगिल के थे और 3 ले के थे। 18 के 18 जो सैंपल्स हैं वो सभी नेगेटिव आए हैं। पूर्व में लद्दाख में 13 पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से कि दो जो हमारे मरीज़ थे उनके आखिरी में भेजे गए दोनों जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आए हैं। उसलिए उनको हम लोग नेगेटिव मानते हुए प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग उनको अभी भी क्वारंटाइन करेंगे, पर टेक्निकली वो नेगेटिव हो गए हैं और उनको हमने मेन जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से हटाकर क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। 30 हमारे सैंपल्स हैं, उनका रिजल्ट अभी आना शेष है और संभवतः वो 2-3 दिन में आ जाएगा। पर हम लोग हर रोज़ हम सैंपल्स भेजते हैं तो ये फिगर कभी ज़ीरो तो नहीं होगा, बट अभी फ़िलहाल हमारा 30 सैंपल्स अभी आना शेष है। कोविड-19 की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा और सख्त करते हुए डिविजनल कमिश्नर जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हैं, उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया है जिसके अंतर्गत दोनों ज़िलों में, लेह और कारगिल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनडेफिनेट समय के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। जिसका मतलब ये हो गया कि हमारे बसेस, जो प्राइवेट बसेस है, सौराष्ट्र मासा चलते थे, और SRTC के जो बसेस है वो अब कुछ दिनों के लिए नहीं चलेंगे। सर, जैसे फ्लाइट बंद हो गया तो फिर यहाँ से सैंपल कैसे भेजेंगे, इसका क्या व्यवस्था? सैंपल्स के लिए हम लोगों ने कल रात को ही पूरी व्यवस्था कर ली है। एयर इंडिया का अभी भी एक चार्टर्ड फ्लाइट आता है, एक वो हमारे पास ऑप्शन है, अदरवाइज हमारे पास एयरफोर्स का भी ऑप्शन है। तो सैंपल्स भेजने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी पूरी व्यवस्था है उसके लिए।